केवल बाहरी तौर पर ही नहीं, अपने घर को हमें थोड़ा अंदरूनी तरह से भी सजाना पड़ता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर आप अच्छा ऑर्गेनाइज अपने घर को करेंगे ना, तो जब भी कोई अलमीरा खोलेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सजी हुई, ऑर्गेनाइज हुई आपको दिखाई देंगी। तो ऐसा हम कर सकते हैं कुछ अच्छी बास्केट्स का यूज़ करके। तो कुछ तो बास्केट्स ऐसी होती हैं जिनको यूज़ करके हम बहुत अच्छा आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन कुछ को तो बिग नो बिल्कुल मत लीजिए। तो वही आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली बास्केट है ये, जो कि घुंघरू के एक हैंडल के साथ मैंने ली थी। अब देखिए, इसमें सब कुछ तो सही था, बड़ी सुंदर भी ये लग रही थी, घुंघरू बज भी रहे थे, लेकिन जो इसका हैंडल था ना, ये पता नहीं क्यों बिल्कुल भी इसमें नहीं लग रहा था। यानी इसका रिव्यू ये है कि चीज़ तो देखने में सुंदर है, लेकिन वो जो है अपना काम नहीं दे रही है। बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ करके मैंने इसका हैंडल इसमें लगाया। थोड़ा सा वो टेढ़ा है, मतलब दिखने में आपको शायद कैमरे में पता नहीं चलेगा, लेकिन उसकी सिमेट्री बिल्कुल प्रॉपर नहीं आ रही है। फिर भी मैंने इसको रखा, क्योंकि रिटर्न मैंने इसका डाला था, लेकिन रिटर्न प्रोसेस भी नहीं हुआ और मुझे ये बहुत अच्छी लगी। यानी कोई कोई चीज़ जो आपके मन को बहुत अच्छी लगती है ना, तो उसके थोड़े से जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं या अवगुण होते हैं, उनको भी हमें स्वीकार करना रहता है। तो ये थी मेरी पहली बहुत सुंदर फ्लोरल बास्केट। जो मेरी बेकिंग की अलमीरा है, उसको मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कुछ इस तरह से। पिंक कलर की मेरे पास ये कुछ स्टोरेज बास्केट्स हैं, ये मैंने अभी चेंज करी हैं। इन्हीं में मैं सारा सामान रखती हूँ। इनके साथ लिड भी है, बहुत ही सुंदर ये लगती हैं। और लिड की वजह से इनको स्टैक करके भी रखा जा सकता है, यानी एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं अगर अलमीरा में जगह हो तो। और इसमें जो बड़ी बास्केट है, उसके अंदर मैं अपने टिश्यू पेपर रोल्स, टिश्यू रोल्स वगैरह रखती हूँ। और इसके अंदर एक छोटी मैं बास्केट भी रखती हूँ, जिसमें मेरे फ्रिज के जो बैग्स होते हैं ना, वेजिटेबल बैग्स, वो रखे रहते हैं। ये 4 साइजेस में आती है ये वाली पिंक कलर की बास्केट। दूसरी बास्केट थोड़ी सी कम ऊंची है, इसमें रहते हैं मेरे बेकिंग के टूल्स, और फिर रहते हैं मेरा बेकिंग का छोटा मोटा सामान बाकी छोटी बास्केट्स में। और बहुत अच्छी तरह से इसमें मेरा सारा सामान ऑर्गेनाइज हो जाता है। एक जैसी हैं तो अलमीरा में रखी हुई भी ये एक कलर की अच्छी लगती हैं, और ये बहुत अच्छे से फिट भी हो जाती हैं। छोटी बास्केट में वर्टिकली मैं चीज़ों को इस तरह से रख देती हूँ कि उसमें फिर मैं लिड नहीं लगाती हूँ, और पूरा स्पेस मैं अलमीरा का ऑक्यूपाई कर लेती हूँ। बहुत सुंदर बास्केट हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो इन सुंदर बास्केट्स को ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने लास्ट वीडियो में देखी होंगी मेरी ये बास्केट। ये जो है मैं स्टैक करके रखती हूँ। इसके अंदर भी घर का छोटा मोटा बहुत सामान रहता है, जैसे टेप्स रहते हैं, ग्लू की जो ट्यूब्स हैं वो रहती हैं। ये भी स्टैक करके आ जाती हैं एक के ऊपर एक, और मेरी अलमीरा में साइज़ के हिसाब से बिल्कुल फिट हैं। जब कभी भी ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए हमें कुछ छोटी जो है बास्केट्स चाहिए। छोटी बास्केट कई जगह मेरे पास हैं, आपने वीडियोस में देखी हैं। ये कुछ ट्रांसपेरेंट जो बास्केट्स होती हैं, काफ़ी सस्ती मिलती हैं, करीब 20 रुपीज़ 10 रुपीज़ की ये मिलती हैं। इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। और ये जो है अगर आप इस तरह से अपने किसी ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पुराने कुछ बॉक्सेस से और कुछ ये नई स्टाइल सी जो है ये सारी मेरी बास्केट, इनको मैंने रख रखा है। और ये इनका साइज ऐसा है कि जब हम ड्रॉर को खोलते हैं या बंद करते हैं तो कहीं पर भी ये अटकती नहीं है, बिल्कुल स्मूथ ड्रॉर्स रहती हैं। और इसमें अलग अलग कैटेगरी का सामान आ जाता है। ड्रॉर्स में जब सामान मैं रखती हूँ तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये छोटा छोटा सामान इन ऑर्गेनाइजर्स में आ गया। और ड्रॉर्स जो है ना, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग मैंने रख रखी हैं। जैसे इसमें सारे टिश्यू पेपर वगैरह रहते हैं, मेरे नेल पेंट्स और नेल रिमूवर, ईयरबड्स वगैरह सामान इसमें रहता है। बाकी एक ड्रॉर में रहता है मेरा सारा हेयर एसेसरीज, मतलब बालों का सामान, और बाकी तो स्किन केयर की चीज़ें रहती हैं। देखिए बहुत छोटी सी अगर आपको ऑर्गेनाइज करनी है जगह तो छोटे ऑर्गेनाइज़र चाहिए। छोटे मोटी चीज़ें घर में बहुत मिल जाती हैं जिसमें आप रख सकते हो। जैसे सेफ्टी पिंस को ना मैंने एक माचिस की खाली डिब्बी में रख रखा है। आप हंसोगे, लेकिन क्या करूँ, जब सब मिक्स हो जाती हैं तो नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो रखना है, और इतनी छोटी ड्रॉर में और कुछ आ भी नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने इस तरह से अपनी इन ड्रेसिंग टेबल की जो ड्रॉर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया। बहुत सारे हमारे जो बास्केट आती हैं वो ट्रे की तरह से आती हैं। इसमें रखा हुआ है सारा वो सामान जो कि मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। जो ट्रे स्टाइल के और जो बास्केट्स आती हैं ये किसी भी आप जो है ऑर्गेनाइज़र के नीचे रख सकते हैं। कम जगह में ये आ जाती हैं और सामान आपको सारा दिखता है क्योंकि ये फ्लैट होती हैं। आपने मेरे राशन की जो अलमीरा वाला वीडियो, ग्रोसरी वाला वीडियो देखा था, उसमें ज़्यादातर मैं इसी तरीके की बास्केट का यूज़ करती हूँ। और जो ये बास्केट हैं ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। मेरे घर में हर जगह इस तरीके की बास्केट आपको मिल जाएंगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैं सामान रखती हूँ अपने ड्रेसिंग एरिया में। और इसी तरह से देखिए ये बास्केट है पतली, ये मैंने अपनी पूजा के ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बाथरूम ऑर्गेनाइजेशन में बहुत यूज़ कर रखी हैं। आप इस तरीके की पतली बास्केट को भी ज़रूर परचेस करिए। अब देखिए जो पुराने टिफ़िन्स होते हैं या पुराने प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं, जैसे बिस्किट वगैरह आते हैं उनके साथ भी आपको बहुत सारे प्लास्टिक के बॉक्सेस मिल जाते हैं। इनसे मैंने अपना जो ये फर्स्ट एड बॉक्स है ना, इसको मैंने अरेंज कर रखा है। देखिए बिल्कुल नीटली इसमें आ गए। लकीली इसमें सारे जो हैं बॉक्सेस अच्छी तरह से अरेंज हो गए। देखिए, और जो मेरे घर का जो एंट्रेंस वाला एरिया है वहाँ पे एक इस तरीके की ड्रॉर्स रखी हुई हैं। इसमें भी मैं जो हूँ पुराने टिफ़िन्स का यूज़ करती हूँ। जैसे एसेंशियल ऑयल्स को मैं रखती हूँ इसी में, पुराने टिफ़िन में, या जो मास्क होते हैं वो सब इसी में रहते हैं। या फिर जैसे देखिए लॉक्स हैं, ये ताले जो होते हैं ये भी मैंने टिफ़िन बॉक्स में ही रख रखे हैं। अच्छी तरह से इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास छोटे बड़े कुछ टिफ़िन बॉक्सेस हैं तो उनको भी आप इस तरह से अपनी ड्रॉर्स में अरेंज कर सकते हैं। और इसमें रहते हैं खुले पैसे जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये है कुछ फोल्डेबल नेचुरल बैम्बू स्टोरेज बास्केट, बहुत अच्छी लगती हैं। आप इन्हें किसी अच्छी जगह भी रख सकते हैं, किसी डिस्प्ले यूनिट में भी रख सकते हैं। इसके साथ एक वायर आता है जिससे इसकी शेप इसमें आ जाती है। मल्टीपर्पज़ हैं, बहुत अच्छी जगह यूज़ आप कर सकते हैं क्योंकि देखने में ये बहुत अच्छी हैं। मैंने तो फ़िलहाल इन्हें अपनी अलमीरा में रख रखा है जिसमें मेरी टी शर्ट्स वगैरह रहती हैं। अच्छी चीज़ है और इको फ्रेंडली है, सबसे बढ़िया बात तो ये है। इसके साथ बहुत सारे फोल्डेबल स्टोरेज बास्केट्स आती हैं। जैसे ये एक लॉन्ड्री बास्केट है लेकिन मैं इसे लॉन्ड्री में यूज़ नहीं करती हूँ। इसमें मेरे जो कम यूज़ होने वाले दुपट्टे होते हैं उनको मैं रख देती हूँ। इसके अलावा जो दुपट्टे होते हैं उनको मैं कुछ टी शर्ट्स के साथ आए हुए कुछ इस तरीके के प्लास्टिक बैग्स में अरेंज करके शिफॉन के दुपट्टों को रखती हूँ, जिन्हें मैं इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स का और टी शर्ट का बना रखा है उसमें रखती हूँ। जो बड़ी बास्केट होती हैं ये लिड के साथ आती हैं, बगैर लिड के भी आती हैं। मेरी ऑल टाइम फेवरेट, बहुत जगह मेरे घर में, किचन में, स्टडी टेबल पे, मेरे कपड़ों की अलमीरा में जगह जगह ये रखी हुई हैं। इसमें मैं जो हूँ अपनी पुरानी डायरीज़ भी रख देती हूँ। किचन में जब एक जैसे बर्तन मुझे एक जगह रखने पड़ते हैं तो ड्रॉर्स में मैं इनका यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मतलब बहुत जगह हैं, मतलब जो खाली प्लास्टिक के रैपर्स होते हैं वो भी मैं इसमें रख देती हूँ। तो अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ जो ट्रांसपेरेंट स्टोरेज बास्केट्स आती हैं ना, ये लिड के साथ आती हैं, ये अच्छी रहती हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दिखती हैं। कपड़े थोड़ा कम ही अब मैं इसमें रखती हूँ क्योंकि मुझे उन्हें ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे मेरे पर्स हुए, बैग्स हुए, वो सब इसमें मैं रखती हूँ। इसके अलावा जो मेरी एक शू अलमीरा है उसमें मेरे बहुत सारे जो फुटवियर्स हैं वो नहीं आ पाते क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, मुझे शौक़ है। तो जो मेरे महंगे और अच्छे फुटवियर्स हैं उनको मैं इस तरीके से बैग्स में करके रख देती हूँ। और ये तो मैंने आपको बताया ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट हैं जो मेरी कपड़ों की अलमीरा में भी रहती हैं। अब बात आती है लॉन्ड्री बास्केट की। बड़ी लॉन्ड्री बास्केट में प्लास्टिक की रखती हूँ, हालांकि केन की, वुड की बहुत सुंदर सुंदर लॉन्ड्री बास्केट्स आती हैं। कपड़े सुखाने के लिए जब लेकर जाना होता है मुझे ऊपर, तो मैं इस तरीके की एक बास्केट का यूज़ करती हूँ जिसमें बहुत अच्छे हैंडल्स लगे हुए हैं। लेकिन जब ये डिलीवरी में आई मेरे पास, क्योंकि मैंने इसे ऑनलाइन लिया था, तो एक जगह से थोड़ी सी क्रैक हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये थोड़ी सी कमज़ोर हैं, लेकिन ठीक है, हमें इनके संग कोई कुश्ती थोड़ी लड़नी है। इसे आप पिकनिक वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऊपर से इसमें लिड आती है। अच्छी बास्केट है, बहुत अच्छे तरीके से कपड़ों का वेट ये ले लेती है और मुझे बड़ा आराम हुआ इसको लेके जाने से, मतलब रखने से। और लॉन्ड्री में एक ये बहुत ही सुंदर सी मेरी बास्केट रखी रहती है जिसमें खुला सामान रखा रहता है और इसीलिए मैं इसे सुंदर सी बास्केट में रखती हूँ। राउंड और ओवल बास्केट पर्सनली मुझे पसंद नहीं है क्योंकि ये काफ़ी जगह घेरती हैं, हमेशा आपको मना करती हूँ, लेकिन बहुत ही सुंदर सी मुझे ये लगी। तो जब मैंने पहले बाथरूम को अपना सही किया था तो वहाँ की विंडो में मैंने इनको हैंग कर दिया क्योंकि विंडो वाला स्पेस मुझे यूटिलाइज़ करना था। किचन की विंडो हो, आउटडोर की विंडो हो, आपको प्लांटर्स लटकाने हो, वहाँ पर इस तरीके की बास्केट का आप यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने मेरे क्लीनिंग वीडियोस में देखा होगा कि मैं साथ के बहुत सारा सामान लेके चलती हूँ, तो वो सारा सामान रहता है मेरी इस बहुत ही सुंदर सी एक बास्केट में, क्योंकि हर जगह हम एक एक बॉटल करके नहीं लेके जा सकते हैं। तो ये बास्केट क्योंकि बहुत सुंदर है तो सफाई करने के साथ साथ ना इसकी तरफ जब देखो तो अच्छा सा फील होता है। और जो मेरी क्लीनिंग की बास्केट्स हैं वो सारी हैंडल वाली ही हैं, ये आपने देखी ही हैं, और इसमें बहुत सारा क्लीनिंग का सामान रहता है। जैसे जितने भी मेरे क्लीनिंग के टूल्स होते हैं या मेरे क्लीनिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब इन्हीं बास्केट में रहते हैं। इसके साथ साथ जो प्लांट्स का फर्टिलाइज़र होता है ना वो भी मैं इस बास्केट में रखती हूँ, वो बाहर के एरिया में रखी रहती है। लिड इनकी अलग हो जाती है तो आप इनको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये तो मेरे फेवरेट बास्केट्स हैं ही, आपको हर जगह मिलेंगी। अब आती हैं कुछ मेटल की डेकोरेटिव बास्केट यानी सजाने के लिए। बहुत अच्छी शेप्स में, बहुत अच्छे डिज़ाइंस में ये आती हैं। अलग अलग मेरे पास ये हैं, आप इन्हें सोफ़ा के साइड में सोफ़ा थ्रो या बुक्स वगैरह रखने के लिए ले सकते हैं। ये एक थोड़ी छोटी बास्केट है, अब बहुत सुंदर ये लगती है, इसमें गोल्ड फिनिश है, तो आप इसे हैंग भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बुक्स वगैरह रख देती हूँ। इसे एक प्लांटर की तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है तो भी ये बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपकी ओपन अलमीरा है वहाँ पे भी आप इन्हें रख के कुछ छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं जो कि देखने में फिर बाहर से बहुत अच्छी लगेंगी। ये एक हैंगिंग है, बेसिकली एक हैंगिंग आइटम है जिसमें कि आप बुक्स वगैरह रख के हैंग कर सकते हैं। इसे किचन में भी हैंग कर सकते हैं और टॉवल्स वगैरह आप इसे डिस्प्ले में करके रख सकते हैं, अच्छी लगेगी। एक ये हेक्सागन फ्रूट बास्केट है, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको बताऊँ ना, फ्रूट बास्केट है तो इसमें छोटे फ्रूट्स ही आ पाते हैं जो बॉल शेप के होते हैं, बड़े फ्रूट्स इसमें नहीं आ पाते हैं। ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप इसे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली किसी भी तरह से प्लेस कर सकते हैं और ये बहुत ही कम जगह में आ जाती है। घर में हमेशा बड़े स्टोरेज बॉक्सेस चाहिए ही। ये कुछ बहुत ही सुंदर स्टोरेज बॉक्सेस हैं जिसे कि हम अलमारी के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी रख सकते हैं। और हाँ, इनके व्हील्स चलते नहीं हैं। इसमें मैं अपना त्योहारों का सामान रखती हूँ, जैसे दिवाली का बचा हुआ सामान, होली का सामान, या कभी इसमें एक बार तो मैंने अपना स्टिचिंग का भी काफ़ी सारा सामान रख लिया था। अच्छी बास्केट है, डिस्प्ले में जैसे मैं कहती हूँ ना, अगर आपके घर में अलमीरा नहीं है या किचन में भी अगर मॉड्यूलर किचन नहीं है वहाँ पर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है कुछ सुंदर सी एक ऐसी बास्केट की जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। मैक्रेम की ये बास्केट है, बोहो स्टाइल में। एक बार मैंने रूम को मेकओवर करने की सोची थी, उसके लिए लिया था। काफ़ी पतली है, इसमें आप कम जगह में ज़्यादा सामान रख सकते हैं। आप इसे अपने बाथरूम के प्लेटफॉर्म पे, स्टडी टेबल पे, किचन में कई जगह पर रख सकते हैं क्योंकि एक तो देखने में बहुत सुंदर है और वैसे भी आप लोग अब तो समझ ही गए होंगे कि हम इसको बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने अपनी स्टडी टेबल पर रख रखा है। ये है मेटल की वायर बास्केट्स जो कि जब मेरी किचन बनी थी तब मैंने इनको लिया था। इसमें एक में तो मैं रखती हूँ अपने छोटे छोटे टूल्स किचन में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, और दूसरे मैं रखती हूँ बास्केट में जो मेरी एक्स्ट्रा जो बॉटल्स होती ना, जैसे मैं वॉश करके जो खाली हो जाती हैं एक्स्ट्रा, उनको रख देती हूँ। और ये मेरी जो किचन की ड्रॉर्स हैं उसमें बिल्कुल फिट आती हैं और अच्छी भी लगती हैं। इन्हें भी मल्टीपर्पज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने एक बार अपने स्टडी टेबल पर भी रख लिया था। इसी तरीके से बहुत ही छोटे छोटे जो स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं, जैसे खासकर सिलाई के सामान में आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, ये छोटे स्टोरेज बॉक्सेस भी काफ़ी काम आते हैं। ये बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं। इनमें मैंने अलग अलग सामान करके इनको अपने सिलाई के एक बॉक्स में रख रखा है। और हाँ, पहले मैंने इसमें मेडिसिन्स वगैरह भी रख रखी थी। मेरी एक और बहुत ही फेवरेट बास्केट है और वो है बास्केट विद हैंडल। अगर आपको ऊपर की शेल्फ को ऑर्गेनाइज करना है और वहाँ से सामान निकालना है तो आप इस तरीके की बास्केट का यूज़ करिए। मैंने अपनी राशन की अलमीरा में भी ये बास्केट रख रखी हैं और ऊपर की शेल्फ में भी इसी तरीके की बास्केट का मैं यूज़ करती हूँ। और हाँ, एक बास्केट तो मैं भूल ही नहीं सकती जो कि काफ़ी पुरानी है और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और ये है मेरी एक मेटल की बास्केट जो कि बेसिकली एक एग बास्केट है ये, लेकिन मैंने इसको फ्रूट बास्केट की तरह से यूज़ करती हूँ। बहुत ही सुंदर है, इसके अंदर फ्रूट्स रखे हुए भी अच्छे लगते हैं। और ये मैंने शायद 2 साल पहले जब मेरे 100K कंप्लीट हुए थे लास्ट ईयर, शायद तब की है। बहुत अच्छी है ये बास्केट। तो दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे करके इकट्ठा होता है घर में सामान और उससे ऑर्गेनाइज हो जाता है घर। तो आपने अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो शुरू करिए घर को ऑर्गेनाइज करना, तभी घर सुंदर लगेगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? थोड़ा मेहनत वाला वीडियो था तो लाइक तो बनता ही है दोस्तों। तो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।